मेरे भाई बहन, जब व्यक्ति को पता चल जाए कि वो मरने वाला है तो उसे संसार का त्याग करके हरि का भजन करना चाहिए। ओ महाराज, हमारे यहाँ तो जितना जितना बुढ़ापा चढ़े इतनी इतनी आसक्ति बढ़ती है। जीवन में जब मृत्यु नजदीक आवे ना साहब, तो व्यक्ति को परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए। और बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूँ मेरे भाई बहन, इसको अपने घर तक ले जाना, अपने जीवन में उतारना। बुढ़ापे में गर्म रोटी खाना हो, बुढ़ापे में इज्जत की जिंदगी जीना हो, तो बच्चों को ज्यादा टोकना बंद कर दो, बच्चों पर ज्यादा दबाव बनाना बंद कर दो। मैं बहुत गंभीरता से आपको ये सूत्र की बात कह रहा हूँ। और आपके बच्चों पर आपका संस्कार का अंकुश होना चाहिए। आप सोचो कि आप बूढ़े वो जवान और तुम दबा लोगे तो दबने वाले नहीं है। बांस होता है ना हरा बांस, उसे हरा रहे तब तक कैसा भी मोड़ दो मुड़ जाएगा, कोई समस्या नहीं। पर वो हरा बांस सब सूख जाता है और फिर उसे कोई मोड़ने के लिए जाता है तो बांस फट जाता है, और फटता है तो उसमें से फांस निकलना चालू हो जाता है, और फिर फांस चुभती है तो कितना दर्द होता है। महाराज, बच्चों को संस्कार बचपन में ही दे दीजिए। बच्चों को जो करना है उनके बचपने में सिखा दीजिए। बाकी आप और हम किसी का भाग्य टाल नहीं सकते। तुम कितना ही जमा जमा करके धर जाओ और उनके भाग्य में नहीं होगा तो वो रोड पर आ जाएंगे। हाँ, और अगर तुमने नहीं भी कमाया और बच्चों के भाग्य में होगा तो भी बच्चे कमा कर अपनी लाइन बना ले। आपको और हमको ये फिक्र रखना है कि हमें बच्चों को कार दे ना पाए दे पाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें बच्चों को संस्कार देना है। आजकल माँ बाप कार की फिक्र में लगे हैं कि बच्चों को कार दे दी जाए तो बढ़िया हो जाए। अरे कार से तुम्हारा बुढ़ापा नहीं सुधरेगा, तुम्हारा बुढ़ापा सुधरेगा तो संस्कार से सुधरेगा। बच्चों को संस्कार दीजिए, और बुढ़ापे में गर्म रोटी खाना हो बिल्कुल डायरी में नोट कर जाना है। यहाँ से हो जितने बुजुर्ग बैठे वो भी और युवा बैठे वो भी, कि बुढ़ापे में गर्म रोटी खाना हो तो आसक्ति छोड़िए, भगवत भजन बढ़ाइए, बच्चों को ज्यादा टोका टोकी करना बंद करिए। आंख के इशारे से समझे तो ठीक, और ना समझे तो भी ठीक, क्योंकि हम किसी का भाग्य नहीं पलट सकते।